राइड फॉर राम दर्शन। महाराष्ट्र के दो युवक साइकिल से निकले अयोध्या, 1300 किलोमीटर का करेंगे सफर। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। 22 जनवरी को हर हिंदू के लिए गौरव का पल होगा, जब अयोध्या में भगवान राम विराजेंगे। भगवान राम के दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से भक्त जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ियों से तो कोई साइकिल से। महाराष्ट्र जिले के भी दो युवक भगवान राम के दर्शन करने के लिए साइकिल से अयोध्या की यात्रा में निकले हैं। खास बात यह है कि 9 दिन पहले जब दोनों युवक साइकिल से निकले थे तो उनके पास 1 रुपए भी नहीं था। बावजूद इसके जहां कहीं से भी ये गुजरते, राम भक्त इनका ना सिर्फ जमकर स्वागत करते बल्कि इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करवाते। कई राम भक्त तो ऐसे भी मिले जो कि इनके ही पैर छूकर अयोध्या में होने का अनुभव करते। राम दर्शन करने साइकिल से निकले भक्त। महाराष्ट्र के रहने वाले दो किसान दोस्त भगवान राम के दर्शन करने के लिए साइकिल से अयोध्या तक की यात्रा कर रहे हैं। इनके नाम राजू जामकर और आशीष दांगी है, जो कि वाशिम जिले के रहने वाले हैं। आज दोनों साइकिल से जबलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान कई लोगों ने उनका स्वागत भी किया है। राजू ने बताया कि वाशिम जिले के रहने वाले दोनों किसान हैं और दोनों खेती करते हैं। टीवी अखबार में भगवान राम की कहानी, अयोध्या की तैयारी देख देख कर बार बार मन हो रहा था कि क्यों ना 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तो हम भी उस पल में साक्षी बने। बस यही सोचकर नए साल के दिन 1 जनवरी को भगवान राम का नाम लेकर निकल गए उनके दर्शन करने के लिए। 1 रुपया नहीं है जेब में, फिर भी भर रहा है पेट। 32 वर्षीय राजू जामकर ने बताया है कि वैसे तो हम किसान हैं और इतने संपन्न हैं कि बस या फिर रेल से अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले तीर्थ स्थान के दर्शन नहीं हो पाते। 28 दिसंबर को आशीष के साथ अयोध्या जाने का प्लान बनाया और 1 जनवरी की सुबह निकल गए साइकिल लेकर। राजू ने बताया कि साइकिल नहीं थी तो यात्रा के लिए दोनों ने साइकिल भी खरीदी। आशीष का कहना है कि जब घर से निकले थे तो अपने गर्म कपड़े, रोज जरूरत की चीजें और कुछ कच्चा खाना बस रखा था। घर से जब निकले थे तो 1 रुपया भी जेब में नहीं था, पर 9 दिन की यात्रा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिन या रात में भूखा सोना पड़ा हो या फिर रास्ते में कोई समस्या आई हो। यहाँ जाते लोग हमारे साथ भगवान जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए हमें खुशी खुशी विदा करते। रुपया रख लो, भगवान राम की आपूर्ति कर देना। महाराष्ट्र जिले के रहने वाले आशीष दांगी का कहना है कि अभी तक हम 9 दिन में करीब आधा रास्ता, जो कि 600 किलोमीटर का है, पूरा कर लिया है। बाकी का रास्ता भी इतना ही है। उम्मीद है कि 22 जनवरी के पहले पहुंच जाएंगे। आशीष ने बताया है कि रास्ते में जो भी हमें देखता, रोक कर पूछता है कि अयोध्या जा रहे हैं, और जैसे ही हम हाँ बोलते तो चेहरे पर उनके एक खुशी दिखती है। बहुत से लोग ऐसे भी रास्ते में मिले जो कहते हैं कि दान स्वरूप रुपए ले लो और भगवान राम के चरणों में अर्पित कर देना। जगह जगह हमें लोगों का प्यार मिल रहा है। जहां भी रुकते लोग खाने पीने के लिए पूछते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।